अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, msautos की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। आज आपके लिए ऑल्टो जैपनीज़ का एसी का रिव्यू लेकर आए कि इसकी गैस कहां से लीक हुई है और क्या वजह है ये गैस जल्दी लीक हो गई है। तो हमने बाहर से प्रेशर डाल के चेक किया है, बाहर से सारे जॉइंट इसके जो हैं ओके हैं। तो अब हम इसका जो है अंदर का कूलिंग कॉइल खोल के चेक करेंगे कि कहीं वो तो लीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग इसको चलाते रहते हैं, एयर फिल्टर टाइम से चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो होती है वो उस पर जाके जम जाती है और कूलिंग कॉइल को वो लीक कर देती है। अब ये कस्टमर्स की खुद गलती होती है, जिसकी वजह से फ़िल्टर ना टाइम से चेंज करने की वजह से इसका कूलिंग कॉइल लीक हो जाता है। चले हम आपको दिखाते हैं इसमें कि डैशबोर्ड कैसे खोलते हैं और इसमें से कूलिंग कॉइल कौन सा निकलता है और कौन सा कूलिंग कॉइल लगाना चाहिए। चले आपको इंशाल्लाह पूरी तफसीलात देते हैं। कोई भी मालूमात हो आप हमसे रब्ता करें, कोई भी चीज़ के बारे में पूछना हो कॉन्टेक्ट करें। फ्रेंड्स, मुकम्मल वीडियो देख के अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा और उससे पहले हमारा msautos चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। ये देखें फ्रेंड्स, अभी हमने जो है ये कॉइल निकाल लिया है, ये कूलिंग कॉइल है इसका। ये देखें जहाँ पे ऑयल आ जाता है वहाँ पे कूलिंग कॉइल वहाँ से लीक होता है। ये देखें दो जगह से ऑयल आया हुआ है। अब इसमें हम प्रेशर डाल के लीकी चेक करेंगे पानी में डिप करके। ये देखें अभी हमने इसमें पानी में डाल दिया है, इसमें जो है बारीक बारीक जो है बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम टायर चेक करते हैं उसमें बबल आना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी यही होता है, जहाँ से लीकेज होगी वहाँ से बहुत बारीक बारीक लीकेज
आपके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखेंगे इस तरफ जो है बहुत मामूली मामूली बबल्स आ रहे हैं, बहुत मामूली मामूली। ये देखें जो आपको हम कैमरे में दिखाते हैं, ये देखें ये देखो ये लीक है, ही बारीक नज़र आ रहे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूं, आ रहा है आपको नज़र ये जो बुलबुले बन रहे ना, ये तो रिपेयर भी नहीं होती है। नहीं ना, रिपेयर ही तो नहीं होते। चले फ्रेंड्स, अब हम इसमें दूसरा कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका काबली कॉइल ओरिजिनल कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल चीज़ नहीं लगाओगे आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे कूलिंग कॉइल जो है आपको ओरिजिनल लगाना चाहिए। चाइना के कॉइल में आपको बस महसूस होगी कूलिंग, कि हाँ भाई कूलिंग कर रहा है, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देगी जैसी ओरिजिनल कूलिंग कॉइल की परफॉर्मेंस होती है। चलें इसको हम अभी फिट करके पूरी गैस पे चार्ज करके इंशाल्लाह उसकी भी तफसीलात देंगे। चले फ्रेंड्स, माशाल्लाह पूरा डैशबोर्ड फिट हो गया है, वीआईपी ओरिजिनल तरीके से फिट हो गया है। ये देखें बोल्ट टू बोल्ट और ग्रिप टू ग्रिप आ गया है, इसके अंदर फिक्स हो गया। अब हम इसमें प्रेशर डाल के हमने बाहर से लेके चेक कर लिए, जॉइंट चेक कर लिए जो हमने खोले थे। अब इसमें प्रेशर थोड़ी देर 15 से 20 मिनट होल्ड रख के वैक्यूम करके फिर हम इसमें गैस डालेंगे। तो इंशाल्लाह गैस डालने के बाद जो है हमारी गाड़ी माशाल्लाह ओके हो जाएगी। इसकी भी तफसीलात आपको देते हैं। चलो फ्रेंड्स, अभी हमने ये इसको वैक्यूम पे कर लिया है, 15 से 20 मिनट हम इसको वैक्यूम पे रखेंगे कि इसमें जो है मॉइस्चर जो होता है वो इसके अंदर ख़त्म हो जाए, अंदर नमी से बाकी हमारा सेट ख़राब ना हो। चलो फ्रेंड्स, अभी हमने वैक्यूम कंप्लीट हो गया हमारा, अभी हम इसमें गैस डालेंगे और फैन खोल दे, वो खाना लिया जाके। जो गैस है बहुत माशाल्लाह वीआईपी गैस है, ज़बरदस्त काम करती है। चलो गाड़ी स्टार्ट करें, हाँ ऑन करो, ब्लोअर की स्पीड 2 पे रखना। पानी डाल दे थोड़ा रेटर में पहले, इसमें डाल दें।
चलो फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारी गाड़ी रेडी हो गई, गैस चार्ज कर दी हमने, माशाल्लाह बहुत मस्त कूलिंग कर रही है। और कोई भी चीज़ की मालूमात करनी हो, पूछना हो, हमारे से रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।